नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण सिंह, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में कार्यरत हूँ। सर, जैसा हम आपको जब के बारे में जानते हैं, आप सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और आपको 25 साल का एक्सपीरियंस है किडनी ट्रांसप्लांटेशन में। सो मैं आपसे पूछना चाहता था कि इस पैंडेमिक के दौरान, जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, उसमें क्या किडनी ट्रांसप्लांट हो पा रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पैंडेमिक जब शुरू हुआ था, कोरोना पैंडेमिक, तो बहुत सारे सेंटर्स ने तो ट्रांसप्लांट करना बंद ही कर दिया था, कई सेंटर्स ने तो ऑलमोस्ट कम कर दिया था, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल में हम लोगों ने नहीं बंद किया। ये जरूर है कि हमारे नंबर कुछ कम हुए हैं ट्रांसप्लांट के। कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मजबूरी थी, क्योंकि किसी को ये कोरोना वायरस के बारे में समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, क्या होगा, पता नहीं पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा, क्या आउटकम होगा, तो एवरीबडी वाज स्केयर्ड। बट अब धीरे धीरे, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक तो परसिस्ट कर रहा है और लगता है कि आगे भी ये चलता रहेगा, अभी प्रेजेंट सिनेरियो के देखते हुए, तो बहुत सारे सेंटर ट्रांसप्लांट धीरे धीरे करना शुरू कर दिए हैं और हम लोग रूटीनली ट्रांसप्लांट करते हैं। और इसमें कोई भी, जैसे पहले हमारे प्रोटोकॉल थे ट्रांसप्लांट के, रिसिपियंट का वर्कअप, डोनर का वर्कअप, सेम हम फॉलो कर रहे हैं। और थोड़ा प्रिकॉशन लेते हैं कि ट्रांसप्लांट से पहले हम पेशेंट और डोनर को, उनको आइसोलेशन में रखते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, वो असिम्टोमेटिक हैं कि नहीं, 5-6 दिन से उनको फीवर, कॉफी, खांसी कुछ तो नहीं आ रही है। और हम एक कोरोना का जो मेन टेस्ट होता है आरटीपीसीआर, वो रिसिपिएंट और डोनर दोनों का 2 दिन पहले करते हैं, फिर हम रिपीट करते हैं। अगर 2 बार के टेस्ट निगेटिव हैं तब फिर हम पेशेंट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और हम लोग अपोलो हॉस्पिटल में रूटीनली ट्रांसप्लांट करते हैं और ऑलमोस्ट रोज 1 या 2 ट्रांसप्लांट करते हैं। सर, किडनी के क्या सभी मरीज जो ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं उनका ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं, या आप उसमें से सेलेक्ट करते हैं हाई रिस्क पेशेंट या लो रिस्क पेशेंट? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे पहले ट्रांसप्लांट होता था हम लोग सब वैसे ही ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, पेशेंट को हर चीज एक्सप्लेन कर देते हैं। बट कोरोना वायरस से थोड़ा सा और आदमी को सावधानी बरतनी पड़ती है। इनफैक्ट अगर पूछा जाए कि हम जितना पोस्ट ट्रांसप्लांट पहले स्ट्रेस लेके पेशेंट को, उसके अटेंडेंट को समझाते थे कि सफाई से रहना, मास्क पहनना, हाथ धुलना, ऐसे करना, वैसे करना, वो कोरोना की इस बीमारी ने सबको अच्छे से सफाई से रहना सिखा दिया है, तो बल्कि अब हमारा स्ट्रेस लेवल कम रहता है और हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कोरोना पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बाद फॉलोअप में देखने के लिए। सर, क्या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कोई स्पेशल प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है? देखिए, कोरोना वायरस का कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं, हम लोग सेम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, लो रिस्क का जैसे पहले हम लोग करते थे और हाई रिस्क का, सेम इम्यूनोसप्रेशन, सेम इंडक्शन, अगर जरूरी है तो इंडक्शन ट्रीटमेंट देते हैं, तो ऐसा कोई अलग से चीज नहीं है। बट हम लोग स्पेशल प्रिकॉशन रखते हैं कि पेशेंट को या जो हमारा स्टाफ वर्किंग है उसकी रूटीन चेकअप, उसका आने से पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं, कोई सिम्टोमेटिक तो नहीं है, उसको वायरल कोई फीवर तो नहीं है, कफ तो नहीं है, या उसका अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको अंदर नहीं आने देते ड्यूटी में, ये चीज है। तो स्क्रीनिंग ऑफ स्टाफ, अटेंडेंट की स्क्रीनिंग करते हैं, तभी हम अंदर मिलने देते हैं, प्रॉपर गाउन और मास्क पहन के, प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं। इसके अलावा तो और कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं है। सर, पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद उसका पोस्ट ट्रांसप्लांट फॉलोअप कैसे किया जाता है? जैसे हमने बताया, हमारा तो 1000 बेडेड हॉस्पिटल है, ऑलमोस्ट 40% पेशेंट कोरोना के हैं, बट वो सेपरेट एंट्री है, रिमेनिंग पेशेंट की एंट्री सेपरेट है, तो मास्क पहन के पेशेंट आ सकते हैं, बट हम ज्यादातर अवॉइड करते हैं। छोटी मोटी तकलीफ हम वीडियो या व्हाट्सएप कंसल्टेशन में करते हैं पेशेंट की, अगर उनके ब्लड टेस्ट वगैरह करवा के वो भी हमसे बात कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी इनिशियल शुरू के महीनों में मान लीजिए किसी को तकलीफ है या ज्यादा है या जरूरत है, तो फिर बुलाते भी हैं, असेस करते हैं। मैंने तो अपने ट्रांसप्लांट फॉलोअप के लिए डेज फिक्स कर लिए हैं, क्योंकि उस जैसे रस नहीं रहे, पेशेंट को एक टाइम देते हैं और गैदरिंग को अवॉइड करते हैं। सर, ट्रांसप्लांट से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।